हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बुलबुल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं वीकेंड के वॉर की अपडेट। जी हां, वीकेंड का वॉर जहां पे बहुत ज्यादा मुझे तो बहुत ज्यादा बोरिंग स्पेशली लगा, क्योंकि एक तो बहुत बार चीजें मुझे सलमान की तरफ से ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रही थी, कैंडिडेट की तरफ से मतलब जितने भी कंटेस्टेंट है उनकी साइड से कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था। ऐसा लगा था बोरियत से भरा हुआ था, सिर्फ एक टॉपिक को बहुत ज्यादा रगड़ा गया था। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि कुछ भी ऐसा वीकेंड में नहीं था, वीकडेज में नहीं था जिसपे वीकेंड पे बात की जाएगी सलमान की तरफ से। बस सलमान खान खुद ही इतना ज्यादा बोर लग रहे थे, बोरियत से भरे हुए लग रहे थे कि भैया क्या ही पका जा रहा है मुझे और मैं इस शो का पार्ट बना हुआ। अब जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने रिश्तों को लेकर खुल के बात करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको कहा था कि घर वाले लोगों को इस बार ज्यादा एक्टिविटीज दी जाएगी करने के लिए, वहीं एकता कपूर भी शो का आपको पार्ट बनी है तो एक्टिविटीज और ज्यादा होने वाली है, जहां पे सलमान स्टेज पे बहुत कम नजर आएंगे। तो चलिए बता दें, जब सलमान खान स्टेज पे आए तो बहुत सारी चीजें के बारे में क्या क्या बात हुई। अब जहां हम सब बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बता रही थी कि एली के आने के बाद जैस्मिन की गेम पूरी तरह बिगड़ चुकी है, लोगों का ऐसा लग रहा है कि भैया चलिए एली आ गए हैं तो मतलब जैस्मिन पूरा उनके रंग में रंगी जा रही है, उनकी तरह ही वो बातें कर रही है, उनकी तरह वो गेम खेल रही है, जो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। जिसपे बहुत ज्यादा ट्विटर पे चीजें हो, इंस्टा पे हो, लोगों ने बहुत खुल के बात की है सोशल मीडिया पे, जिसे लेकर इस मुद्दे को जानबूझ के उठाया गया था वीकेंड के वॉर में, जहां एली को ये बात समझाया गया कि एली आप जिस तरह का गेम खेल रहे हो बहुत गलत खेल रहे हो, क्योंकि जैस्मिन अपना गेम सोलो खेलेंगी, आप अपना गेम सोलो खेलीजिए, आप उनके वो जिस ग्रुप में है उनको उस ग्रुप में ज्यादा खुशी मिल रही है, आप एक नया ग्रुप बनाइए, ये ना लगे कि यार आप दोनों एक ही ग्रुप का पार्ट हो। और ये बात जैस्मिन और एली को दोनों को समझ में आ गई कि दोनों को अपना गेम सोलो खेलना है। वहीं पर अगर रूबीना और अभिनव की बात की जाए तो बहुत दिनों से ये भी चीज लग रही थी कि रूबीना कोई बात बोलना चाह रही है जैस्मिन के अपोजिट, पर ये बात कहीं ना कहीं एली को अच्छी मतलब एक तरह से अभिनव को अच्छी नहीं लग रही कि भैया क्या ही ये बोल रही है, मतलब वो जैस्मिन को लेकर कहीं उनका ट्रस्ट थोड़ा बहुत हिल गया था, पर अभिनव उस ट्रस्ट पे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे कि भैया चलिए अगर आपने उनसे जाके सवाल पूछ लिया तो वो गलत हो जाएगा, इस तरह की चीजें हो जाती है। अब जहां पे ये दो रिश्तों के बारे में बात हुआ, वहां पे कॉलर ऑफ द वीक ने भी जब रूबीना से अभिनव और उनके रिलेशनशिप को लेकर बात किया कि अभिनव आपको जो भी बोलते हैं आप उसे सुन के भाई एक चीज ये कर देती है कि हाँ चलिए ठीक है, तो उस पर रूबीना ये जवाब देती है कि मैं एक रिलेशनशिप के बॉन्डिंग में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम हाँ जी मैं उनकी बातों में आ जाती हूँ और मुझे लगता है कि वो चीज गलत है, जहां पे वो रोने भी लग जाती है सलमान उनको समझाते हैं उस चीज को लेकर, तो ये सारी चीजें होती है। वही पवित्रा एजाज के रिश्ते को भी लेकर बात होती है, पवित्रा आप कितनी ज्यादा क्लियर हो चुकी है एजाज और अपने रिश्ते को लेकर, वो उन्होंने काफी ज्यादा साफ किया है। वही जान की टॉपिक को भी लेकर सलमान ने बात किया, जिसकी करने की कोई ज्यादा इतनी जरूरत नहीं थी, पर जान की फिर भी टॉपिक वहां पे उठाई गई। निकिता अम्बोली क्या सोचती है घर वाले लोग के बारे में, उसके बारे में बातें हुई है। वही अगर मैं पूरे एपिसोड की बात करूँ तो कोई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें नहीं हमें देखने के लिए मिली थी कि भैया चलो देखिए और इन्जॉय कीजिए, वीकेंड का वार बहुत ज्यादा बोरिंग मुझे फिलहाल लगा। वही एकता शो का पार्ट बनने वाली है, किसे देने वाली है वो घर से बचने का एक और मौका, चलिए जानते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।